क्वेश्चन नंबर 37 में अ थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हेल्ड वर्टिकल ऑन अ फ्लोर विद लार्ज फ्रिक्शन. ठीक है, द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द फ्लोर विदाउट स्लिपिंग. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल. ठीक है, तो इसमें देखो क्या ये रहा है कि इनिशियली ये रॉड वर्टिकल है. ठीक है, एंड ये सपोज इसका ग्राउंड सरफेस हो गया, एंड ग्राउंड सरफेस जो है वो सफिशिएंट फ्रिक्शन है. सफिशिएंट फ्रिक्शन की वजह से हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो रॉड है वो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगी. तो इस पोजीशन से ये रेस्ट से छोड़ी गई है. ठीक है, तो अगर हम इसका पोजीशन, अगर हम इसकी पोजीशन कुछ देर के बाद बनाएं, जैसे सपोज ये सिचुएशन है. अब इसमें कह रहा है कि जब ये रॉड, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई. ठीक है, व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो यानी कि ये 60 डिग्री जब बना चुकी है तब एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, एंगुलर स्पीड बताना है. तो देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके पास जो ओमेगा आया है, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है बिकॉज ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालने के लिए हमें चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कितना नीचे डिसेंड हुआ है. ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अगर आप निकालो तो ये आएगा L बाई टू माइनस L बाई टू कॉस 60. देख लो ध्यान से, इनिशियली ये L बाई टू है और बाद में ये वैल्यू L बाई टू कॉस 60 है. तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम तो ये आ जाएगी L बाई फोर के इक्वल. तो हम इसमें सबसे पहले लगाते हैं यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एल बाई फोर इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई की वैल्यू पड़ेगी एम एल स्क्वायर बाई थ्री अबाउट वन एंड इन टू ओमेगा स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो तो देखो यहाँ से ये टू है तो ये अंडर रूट ऑफ थ्री जी अपॉन टू एल के बराबर आ जाएगा. यानी कि ए ऑप्शन हमारा देखिए तो करेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें पूछ रहा है द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड. तो देखो एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा निकालने के लिए हमको टॉर्क चाहिए, और टॉर्क के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास पे जो एम जी लग रहा है, ये रहा एम जी, ये कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा पॉइंट ए के अबाउट. तो टॉर्क अबाउट ए अगर लिखें तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, तो एम जी का साइन 60 कॉम्पोनेंट इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा. तो एम जी साइन 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एल बाई टू, और टॉर्क को हम लोग लिखेंगे आई अल्फा, तो ये आएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फ़ा. तो अगर आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो तो देखिए यहाँ से एम एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा थ्री रूट थ्री जी, थ्री रूट थ्री जी अपॉन फोर आएगा. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ मास का अगर हम रेडियल एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर. तो आर की जगह एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर की जगह आएगा थ्री जी बाई टू एल. तो ये वैल्यू हो जाएगी थ्री जी बाई फोर. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा. एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑन द रॉड, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑन द रॉड विल बी. तो देखो इसके लिए हम लोग फिर से एक एफबीडी बनाते हैं, अलग बना लेते हैं. ग्राउंड से उसके दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ और एक फ्रिक्शन इधर की तरफ. ठीक है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है. सेंटर ऑफ मास के अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सीलरेशन है, एक तो उसके पास एटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक एआर है टूवर्ड सेंटर ए. एटी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एटी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी एल बाई टू इंटू अल्फ़ा. एल बाई टू, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई थ्री रूट थ्री जी अपॉन फोर. तो ये आ जाएगा थ्री
फोर एल आना चाहिए ना, एल भी होगा अल्फा में, एक एल भी आएगा, फोर एल। तो यहाँ से थ्री रूट थ्री जी अपॉन एट आ जाएगा। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन बनाएं कि वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का टोटल एक्सीलरेशन क्या है, तो ज़रा एंगल वगैरह ध्यान से लिखने पड़ेंगे इसमें। भाई ये वाला 60 है एंगल, तो ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है, और सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक एम जी हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखें तो ये बनेगा एम जी माइनस एन इक्वल टू एम इन टू, ध्यान से देखो, बनेगा ए आर कॉस 60 प्लस ए टी साइन 60, ए आर कॉस 60 प्लस ए टी साइन 60। तो ज़रा वैल्यू रखते हैं सारी, तो ये बनेगा एम जी माइनस एन इक्वल टू एम इन टू ए आर कॉस 60। ए आर दिया हुआ है 3g/4, तो ये हो जाएगा 3g/8 और ए टी साइन 60, तो ये हो जाएगा 339g/16। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 and 9 15, तो ये 15 mg/16 बन रहा है। तो n का वैल्यू mg/16 आ रहा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। देखो नॉर्मली हम लोग इक्वेशन बनाते हैं अलोंग रेडियल लाइन एंड परपेंडिकुलर टू रेडियल लाइन, लेकिन क्योंकि इस केस में हमें नॉर्मल निकालना था तो मैंने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का टोटल एक्सीलरेशन लिख दिया है। भाई एफ इक्वल टू एम ए हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा सकते हैं, फोर्स उस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने अलग किया है जिसमें ए आर का भी कॉम्पोनेंट लिया है, ए टी का भी कॉम्पोनेंट लिया है, ठीक है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन बना दी है सीधे सीधे।